आज एक्सेल में यहाँ पे जैसे कि आपके पास कुछ आइटम है, या तो शॉप है या कोई आपको हर हिसाब करना है एक्सेल में, और वहाँ पे आपको आइटम में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टी शर्ट पैंट जीन्स कुछ भी दिया हूँ, और इसका प्राइस भी होगा है ना, तो इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस कितना है, और यहाँ पे क्वांटिटी इसका, ये टी शर्ट कितना है, दो है, पैंट कितना है, चार है, इतना है, और यहाँ पे हमें टोटल लाना है, और फिर सभी का टोटल यहाँ पे आ जाना चाहिए यहाँ पे ऑटोमेटिक, और यहाँ पे टोटल मतलब जितना भी हमारा खर्चा हुआ है सभी का टोटल यहाँ पे भी आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सम फार्मूला लगाएंगे। सम फार्मूला क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जैसे कि टी शर्ट है, तो यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी, ओके तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ आपको भी वैसा करना है, तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। देखो इक्वल टू यहाँ पे लगाया, इक्वल टू सम सम लगाया, ओके और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, तो सम, अब हम यहाँ पे तो सम लगा दिया, अब हम क्या करेंगे, ये प्राइस वाले को इसको सेलेक्ट किया, ओके तो इसके साथ गुना हो जाएगा, होगा ना, तो गुना हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे अपने कीबोर्ड में गुना का जो मल्टीप्लाई है उसका हम सिलेक्ट कर देंगे, और फिर किसके साथ, क्वांटिटी के साथ, इस पे फिर सिलेक्ट करेंगे, ओके यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इसको ब्रैकेट के क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे, तो इंटर करते ही हमारा क्या हुआ, 400 हमारा प्राइस क्या था, टी शर्ट का 400 था, लेकिन हम यहाँ पे दो है हमारा क्वांटिटी, दो टी शर्ट है, तो यहाँ पे टोटल कितना आया, 800, और इसी को हम यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ खींच देंगे, क्या होगा, जितना होगा ना सभी को हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखो जैसे कि 400 था प्राइस, तो दो क्वांटिटी था तो 800 हुआ, तो यहाँ 600 प्राइस है इसका पैंट का, तो यहाँ पे चार है तो इसका हो गया इतना, तो इसमें हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आ गया। अभी लास्ट में हम क्या करेंगे कि हमारा जितना भी आया है टोटल खर्चा यहाँ पे लेके आए, ओके इसको अब हम यहाँ पे सम करेंगे, तो सम का मतलब यही नहीं होता है एड, सम का मतलब होता है कि उसमें एड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम इसको सभी को यहाँ पे सम करेंगे, यहाँ पे मैंने गुना करके यहाँ पे लाया था, तो उसमें भी सम ही फॉर्मूला लगेगा, ओके तो यहाँ पे सभी को अब यहाँ पे लाने के लिए अब हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे दो तरीके से ऑटोमेटिक सम कर सकते हो, या तो यहाँ पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे जो साइड में आपको देख रहा है ऑटो सम, इस पे क्लिक कर देंगे ना, तो और इंटर कर देंगे ना, तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ सभी का एड होके आ जाएगा, या तो आप इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ अभी, जैसे कि यहाँ पे आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, देखे इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू सम, ओके सम सम फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, अभी हम क्या करेंगे सभी को सिलेक्ट कर देंगे, ये नीचे जितने हैं सभी को सिलेक्ट कर दिया, ओके फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और फिर इंटर कर देंगे, तो देखो तब भी हमारा सभी एड होके आ जाएगा। या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको डिलीट करता हूँ, या तो आप यहाँ पे से क्लिक कर दे, जैसे कि मेरे को यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किया, और अपने कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर दे, ऑल्ट और इक्वल एक साथ प्रेस करते यहाँ पे आ जाएगा, इंटर कर दे, इंटर कर दिया, देखो सभी का क्या हुआ, एड होके आ गया। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे इसका रेप आ जाए कि रुपीज में, तो यहाँ पे जनरल है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंसी पे जाएंगे, देखो करेंसी पे गए तो ये आ गया, लेकिन हमें चाहिए कि रुपीज वाले, तो यहाँ पे मोर नंबर्स फॉर्मेट में जाएंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करेंसी आ जाएगा, देखो यहाँ पे करेंसी है, ओके और यहाँ पे हम कौन सा सिंबल हमें चाहिए, INR वाला, INR, ओके तो इसको क्लिक सेलेक्ट कर दिया और ओके कर देंगे, तो देखो अभी आ गया INR, मतलब इंडियन रुपीज कितना, ये सभी का एड होके हमारा आ गया है, ओके तो इस तरीके से आप सम फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरीके के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।